नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्हील लाइट्स वाली सीरीज़ में। तो आज ये थर्ड पार्ट लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने एक स्विच लगाया है। ये स्विच के साथ लाइट डायरेक्टली ऑन हो रही है और पैटर्न में वर्क नहीं कर रही है। और इस स्विच को हमने इस तरह से लगाया है कि हमारी पार्किंग लाइट का स्विच ऑन होने के बाद ये इस तरह से पैटर्न में काम करेगी। और यदि पार्किंग लाइट ऑन होने के बाद भी आप ये लाइट को ऑफ़ करना चाहते हैं तो वो स्विच हम अलग से ऐड ऑन करने वाले हैं, ताकि पार्किंग लाइट ऑन हो लेकिन हमारी व्हील लाइट्स ऑन ना हो। तो चलिए इसकी स्विचिंग और वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, ऑल्टो में आपने इस तरह की एक जगह देखी होगी जहाँ पर एक डमी लगी रहती है। जैसे ही हम इस डमी को हटाएंगे हमें कैविटी नज़र आएगी। इसी कैविटी में हम एक स्विच लगाने वाले हैं, जो कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, जिसमें हमने सेंट्रल लॉकिंग के साथ सायरन हटा के हॉर्न्स को कनेक्ट किया था। ये जो आप स्विच देख रहे हैं ये टू वे स्विच है, लेकिन हमें इसके एक ही साइड को इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब है हम इसे ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए, ये इस तरह से कैविटी में फिट बैठ गया है। इसे फिट बिठाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत कटिंग की है। एक तो मैंने कैविटी को थोड़ा सा कट किया है, थोड़ा बड़ा किया है, और स्विच को भी यहाँ से थोड़ा कट किया है, तभी यह हमारी कैविटी में फिट आया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो साथ में जगह खाली बची है वहाँ पर क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सेम डमी लगाएंगे, ऊपर वाले स्विच की जो डमी निकली थी ये वाली, ये बिल्कुल स्विच के साथ में फिट बैठ जाएगी, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग डमी थी उसके हाफ़ साइज़ की है और स्विच के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठ जाएगी और बहुत ही जेन्युइन तरीके की आपको फिटिंग यहाँ पे स्विच की नज़र आने वाली है। तो देखिए, मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, डमी जो है बिल्कुल अपने स्थान पे अच्छे से बैठ गई है और स्विच भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बिल्कुल ही जेन्युइन कंपनी टाइप फिटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसकी वायरिंग के लिए हमारे पास इसकी डिब्बी में ही हमें दो या तीन थिम्बल्स दी रहती हैं। इन थिम्बल्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस स्विच से दो वायर्स निकालेंगे, जो कि हमारे लिए लाइट को ऑन करेगी और ऑफ करेगी। सो उसके लिए हमें कुछ वायर्स डालनी होंगी, जो कि इंजन हुड से हमारे कैबिन में आएंगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर जाके कि किस तरह से आपको वायर्स कहाँ से डालनी है। ये देखिए, ये मैंने एक सिंगल वायर डाली है, जो कि सामने आपको एक रबर का कैप नज़र आएगा, जो कि कैबिन में केबल्स को लेके जाता है। इस तरह से कैबिन के अंदर उसी रबर से केबल अंदर आ जाएगी। और इस कैविटी से हमने ये दो केबल्स निकाल ली हैं। इनमें आप एक केबल जो देख रहे हैं वो लाइट्स को चली जाएगी, और जो दूसरी केबल देख रहे हैं जहाँ मैंने ग्राउंडेड लिखा है, इसको मैंने बॉडी के अंदर ही ग्राउंड कर दिया है एक 10 नंबर का स्क्रू लगा करके। अब इन दोनों केबल्स को अच्छे से छील लीजिएगा और थिम्बल्स को लगा लीजिएगा, ताकि इन थिम्बल्स को हम स्विच के ऊपर अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि अगर हम बिना थिम्बल्स के स्विच के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होती रहेगी। थिम्बल्स लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कहीं अगर कन्फ्यूजन लगे। सो इन थिम्बल्स को लगा देने के बाद थिम्बल्स को अच्छे से इंसुलेट कर दीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किटिंग का रिस्क ना रहे। मैं यहाँ पर पेपर वाली टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर वाली जो टेप है वो ग्लू बहुत अच्छी होती है और ग्लू छोड़ती नहीं है। सो यहाँ पर आपको तीन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव वाला पॉइंट यूज़ करना है और एक लोड वाला। यहाँ पर आप नेगेटिव वाला या लोड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटर वाला जो है वो ज़रूरी है यूज़ करना। सो इस तरह से आपको यहाँ पर थिम्बल्स लगा देनी है और स्विच को कैविटी में बिठा देना है इस प्रकार से। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं, आपको मैं वायर बता देता हूँ कहाँ पर आपको लाइट का कनेक्शन करना है किस तरह से। सो ये जो केबल आप देख रहे हैं जो हम कैबिन के अंदर लेके गए हैं, ये लाइट के लिए नेगेटिव है। और यहाँ पर जो येलो केबल आप देख रहे हैं, इसे आपको पार्किंग बल्ब की पॉजिटिव केबल के साथ कनेक्ट करना है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पार्ट टू में। ये जो पार्किंग बल्ब होता है, इसी का पॉजिटिव टर्मिनल हम यूज़ करने वाले हैं व्हील लाइट की पॉजिटिव केबल के लिए। सो इस तरह से हमारी वायरिंग ऑलमोस्ट डन हो जाती है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शेयर किया है। ये डायग्राम उसी स्विच के लिए है जो स्विच हमने अपनी कार में इंस्टॉल किया है। इसकी बैक साइड पर आपको तीन थिम्बल्स नज़र आएंगी।
क्योंकि ये टू वे स्विच है, हमें इसमें से दो थिम्बल्स का ही इस्तेमाल करना है। इसकी सेंटर वाली थिम्बल को हम बॉडी के साथ ग्राउंड कर देंगे और जो दूसरी थिम्बल है उसे हम अपनी DRL की नेगेटिव केबल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस तरह से हमारा स्विच जो है वो नेगेटिव को ऑन या ऑफ करेगा। इसके बाद जो आप येलो केबल नज़र आ रही है इसे हम अपने इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करेंगे और रेड केबल को पार्किंग बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। सो इस तरह से हमारी DRL इस स्विच की सहायता से ऑन ऑफ होने लग जाएगी। पार्किंग लाइट ऑन करने के बाद आपको इस नेगेटिव स्विच को भी ऑन करना होगा, तब जाके हमारी पार्किंग लाइट DRL में ऑन होगी और इंडिकेटर भी तभी वर्क करेगा। अगर हमारा नेगेटिव स्विच बंद है तो हमारा इंडिकेटर भी वर्क नहीं करेगा और पार्किंग लाइट ऑन करने के बाद DRL भी वर्क नहीं करेगी। एक डायग्राम आपके साथ मैं और शेयर करने वाला हूँ। इस डायग्राम में जो आप स्विच देख रहे हैं इसे हम टॉगल स्विच कहते हैं और ये स्विच भी टू वे स्विच है। इसका एडवांटेज ये है कि ये अगर सेंटर पोजीशन पे है तो ये किसी भी साइड करंट डिलीवर नहीं करेगा, मतलब इसमें ऑफ करने का ऑप्शन भी है। सो इस तरह के स्विच को भी हम लोग अपनी बाइक या कार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो इसका सेंटर टर्मिनल है उसे 12 वोल्ट देना होगा, जो हमारी DRL है उसके नेगेटिव को बॉडी के साथ ग्राउंड कर देना होगा, जो DRL की येलो केबल है इंडिकेटर वाली उसे स्विच की एक साइड कनेक्ट कर दीजिएगा और DRL की रेड केबल को दूसरी साइड कनेक्ट कर दीजिएगा। सो इस तरह से हमारे सभी कनेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। इस स्विच को अगर हम नीचे की तरफ ऑन करते हैं तो 12 वोल्ट जो है DRL को जाना स्टार्ट होगी और वाइट लाइट ऑन हो जाएगी। स्विच की सेंटर पोजीशन में किसी भी साइड करंट डिलीवर नहीं होगा और सभी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। ऊपर की तरफ ऑन करने पर हमारी जो 12 वोल्ट है वो ऑरेंज लाइट को ऑन करेगी। सो यहाँ पर आप वर्किंग चेक कर सकते हैं, जैसे ही हम पार्किंग लाइट को ऑन करेंगे तो हमारी लाइट इस तरह से पैटर्न में ग्लो करेगी और यदि हम लाइट को सिर्फ नेगेटिव वाले स्विच से ऑन या ऑफ करते हैं तो ये डायरेक्टली ऑन और ऑफ होगी, किसी भी किस्म के पैटर्न में वर्क नहीं करेगी। और यदि हमारा नेगेटिव वाला स्विच ऑन है और पार्किंग से ऑन करते हैं तो इस तरह से पैटर्न में ये वर्क करेगी। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।